हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और क्लास सिक्स के लिए आज मैं वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आप लोगों का जो चैप्टर फाइव है, चैप्टर नंबर फाइव पार्ट नंबर पाँच, मिस्र के पिरामिड के ऊपर चर्चा करूँगा। मिस्र के पिरामिड के ऊपर मैंने दो वीडियो, दो भाग पूर्व में भेज चुका हूँ। आज हम लोग तीसरे भाग के रूप में चर्चा करेंगे और आगे हम लोग जानेंगे कि मिस्र के जो पिरामिड है उसकी क्या खासियत है, वह किस प्रकार से पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया और विश्व के एक सातवें अजूबे के रूप में जो है इसकी उपलब्धियां हासिल हुई है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग तीसरे भाग के रूप में चर्चा करते हैं। मगर इन श्रमिकों में सभी दास श्रमिक नहीं थे। दास श्रमिक, दास श्रमिक का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि दास श्रमिक जो होते हैं एक प्रकार से जैसे बंधुआ मजदूर, जैसे बंधुआ श्रमिक, यानी जिसे कम पैसे में बहुत सारा काम कराया जाता है, जो बहुत सारा काम करने के लिए ललायत होते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, और वैसे मजदूर का जो है पूर्ण रूप से शोषण करते हुए ज्यादातर काम करवाते हैं लोग, उनको कहते हैं दास श्रमिक। साल के चार महीनों तक नील नदी में बाढ़ आने के कारण उसका पानी आसपास के खेतों में भर जाता था, यानी नील नदी नामक की जो नदी है उसमें आसपास के खेतों में किसानों के लिए क्या है, जब पानी आ जाती थी तो किसानों के लिए वो समस्या उत्पन्न हो जाती थी, मुसीबत बन जाता था, जिसके कारण से कोई काम नहीं रह पाता था, सारे फसल बर्बाद हो जाते थे, जिसके फलस्वरूप अनेक किसान इस दौरान कोई काम नहीं कर पाते थे। ऐसी पूरी संभावना है कि उतने समय तक ये किसान उन वार्षिक श्रमिकों के साथ मिलकर इस विशालकाय स्मारक के निर्माण में अपना योगदान देते थे। यानी जब खेत में पानी भर जाता था तो पानी भरने के बाद काम जो है उनका कार्य रुक जाता था, जिसके कारण से वो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई काम नहीं होता था, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, ये जो स्मारक जो पिरामिड बन रहा था है ना, तो उसके साथ जो अन्य मजदूरों के साथ मिलकर ये लोग भी उसका सहायता करते थे, हेल्प करते थे बनाने में। ठीक है, खुदाई में मिले कुछ कंकालों से, कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा, यह भी ज्ञात हुआ है कि श्रमिकों में महिलाएं भी शामिल थी। यानी जब खुदाई हुई थी तो उसके पश्चात जब ये ज्ञात हुआ, पता चला कि पुरुष श्रमिकों के साथ साथ महिलाएं जो थी, महिलाएं श्रमिक भी, महिलाएं मजदूर भी शामिल थी इस स्मारक को, इस पिरामिड को बनाने में। परंतु एक स्मारक बनाने के लिए इतना मानवीय प्रयास इतने वर्षों तक क्यों किया गया? यानी लेखक का कहना है कि एक स्मारक को बनाने के लिए इतने सारे मजदूरों का प्रयोग क्यों किया गया, इतने सारे मजदूरों को शोषण क्यों किया गया, अत्याचार क्यों किया गया? दरअसल मिस्र निवासियों की यह मान्यता थी कि उनके फैरो यानी सम्राट वास्तव में भगवान के दूत है, यानी वहां के लोग, मिस्र के लोग जो है वो बताते थे, वो मानते थे, उनकी एक मान्यता थी कि हमारे जो सम्राट है वो भगवान के दूत हैं। ठीक है, भगवान के भेजे हुए दूत हैं, ऐसा मानते थे। ठीक है, वो ऐसा मानते थे कि ये सम्राट मृत्यु के पश्चात भी, यानी जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उसके बाद भी ये मिस्र राष्ट्र के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। यानी लोगों का ऐसा मान्यता था, ऐसा सोच था, ऐसा अपने राजा के प्रति भक्ति भावना थी कि ये लोग ऐसा समझते थे कि हमारे राजा, हमारे सम्राट जब मृत्यु हो जाएगी उनकी, फिर भी जो है हमारे सभी निवासियों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। अतः किसी फैरो सम्राट की मृत्यु उनके लिए एक बड़ी घटना थी और उनकी मृत्यु एक प्रकार से एक दुखद घटना थी, जिसके कारण से वहां के लोग जो है एक विशाल का भव्य स्मारक के रूप में यादगार बनाना चाहते थे। मिस्रवासी अपने मृत शरीर को यथा योग्य सम्मान देने के लिए और मृत्यु के पश्चात उनकी सफल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास करते थे। हालांकि शासक पृथ्वी से जा चुके हैं, फिर भी उनकी आत्मा का अंश यानी भाग उनके शरीर में मौजूद है। यानी लोगों का कहना है और लेखक बता रहे हैं कि इनके जो शासक है, जो राजा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इनकी आत्मा जो है परमात्मा से ईश्वर के पास चली गई है, लेकिन इनका जो शरीर है, शरीर का जो भाग है, हिस्सा है, वो पृथ्वी पर ही मौजूद है। ठीक है, इस अवधारणा के तहत शासकों का मृत शरीर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था,
वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए वो इनके शवों को, यानी इनका शव, ये जो देखिए ये जो चित्र आप लोगों के समक्ष है, ये शव है। जब शरीर जो मृत हो जाती है तो उसको हम लोग शव कहते हैं, ठीक है। लेप आदि लगाकर संरक्षित करते थे। संरक्षित का अर्थ होता है सुरक्षित, सेफ, ठीक है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। मम्मी आ जाएगा प्रश्न आप लोगों को, मम्मी किसे कहा जाता है? तो मम्मी आप लोगों का कहना है कि शवों को कुछ विशेष लेप आदि लगाकर संरक्षित करने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उस शव को हम मम्मी कहते हैं। इसके पश्चात इन मम्मी को पिरामिडों के भीतर बने बड़े बड़े व सुंदर मकबरों में दफनाया जाता था। शवों को दफनाते समय खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, गहने, बर्तन और हथियार आदि भी साथ में ही दफनाए जाते थे। यानी जब इन शवों को दफनाया जाता था तो उसके साथ साथ इनका जो वस्त्र था, कपड़ा था, बर्तन, गहने इत्यादि चीजों को भी साथ में दफना दिया जाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो सेवक सेविकाओं को भी साथ में ही दफना दिया जाता था। सोचिए, इतना ही नहीं, साथ में जो इनके सेवक थे, जो इनका सेवा काम करते थे, उन लोगों को भी साथ में दफना दिया जाता था। ऐसी सोच थी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतना।